बिलासपुर में आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव संजय कुंडू ने आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों के साथ विशेष बैठक का आयोजन किया। सचिव संजय कुंडू ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि गत वर्ष जिला बिलासपुर को 350 करोड़ के माध्यम से राजस्व इकट्ठा करने का लक्ष्य दिया था, जिसमें से 327 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार में आवाकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव संजय कुंडू ने बिलासपुर में आवाकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक आयोजन किया। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए संजय कुंडू ने कहा कि गत वर्ष जिला बिलासपुर को 350 करोड़ के माध्यम से राजस्व इकट्ठा करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें 327 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त करने में उन्होंने सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि इस चालू वर्ष में जिला बिलासपुर में आवाकारी एवं कराधान विभाग के तहत 500 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें आज ही ज्ञात हुआ है कि संबंधित विभाग के जिला कार्यालय में भवन का अभाव है, क्योंकि जो भवन पुराना है उसमें वर्तमान समय में कर्मचारियों की अधिकता के कारण वे छोटा पड़ चुका है। ये मामला उनके ध्यानार्थ बैठक के माध्यम से लाया गया। इस मामले को प्रदेश सरकार के समक्ष रखा जाएगा ताकि शीघ्र नए भवन का निर्माण किया जा सके। इसके अलावा डेटा एंट्री लीपक की समस्या भी सामने आई है कि उन्हें कम वेतन दिया जा रहा है। इस मामले को भी प्रदेश सरकार के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जिला भर में एक ही वाहन आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करवाया गया है। इसके अलावा आवाकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को आने वाली समस्याओं का शीघ्र निवारण करने का आश्वासन भी बैठक के दौरान दिया गया। तो आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, पिछले साल हमारा करीब 330 करोड़ एक्साइज टैक्सेशन का बिलासपुर जिले से रेवेन्यू टारगेट था, जिसमें थोड़ा सा शॉर्टफॉल था, 321 करोड़ हम इकट्ठा कर पाए। इस साल हमारा 500 करोड़ के करीब टारगेट है। पहले 3 महीने में 78 करोड़ हम इकट्ठा कर पाए। कुछ सेंट्रल जीएसटी का जो है उसका हमको आएगा, कुल मिला के पहले 3 महीने में हमारा थोड़ा शॉर्टफॉल रहेगा। लेकिन मेरे को हमारे जॉइंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और बाकी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने आश्वासन दिया है कि ये ना केवल हम मेकअप करेंगे, लेकिन जब ये साल फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा 500 करोड़ से हम करीब 10 से 20% इससे ज़्यादा करेंगे। इसमें 2-3 इशू हैं। एक तो सबसे पहले एक्साइज में कुछ एरियर्स बाकी हैं, कुछ सेल्स टैक्स में एरियर्स बाकी हैं, बाकी अलग टैक्सेस में भी एरियर्स बाकी हैं। इसके लिए हम स्पेशल कैंपेन चला के तो ज़्यादा से ज़्यादा करीब 58 करोड़ का हमारा एरियर्स फंसा हुआ है लोगों के साथ, उसको हम रिकवर करेंगे। और ज़रूरत पड़ी तो हम एक जनता अदालत भी करेंगे, वन टाइम सेटलमेंट भी करेंगे, ऐसा प्रस्ताव हम सरकार को देंगे। उसके अलावा इनकी जो बेसिकली ऑफिस स्पेस की, स्टाफिंग की, व्हीकल्स की प्रॉब्लम्स थी, वो भी हमने सुनी और इसमें हम चाहते हैं कि सरकार इसको बड़े मतलब लॉजिकल एंड पे ले जाए और इनकी जो डिमांड्स हैं उसको एड्रेस करें। उन्होंने लोक निर्माण विभाग व बिजली बोर्ड आईपीएच विभाग के साथ भी चर्चा की और बताया कि हमने सारे कामों की मॉनिटरिंग की है। उन्होंने बताया कि कुछ कामों में दिक्कतें आई हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्टर ओवरबीट करके ज्यादा काम ले लेते हैं, जिस वजह से काम लटक जाता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों का काम रद्द करके किसी अन्य को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष में क्वालिटी में काफी इम्प्रूव हुआ है और अगर क्वालिटी इम्प्रूव में आगे कोई दिक्कत आती है तो उसके खिलाफ कॉन्ट्रैक्टर व इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीडब्ल्यूडी में बहुत काम चल रहे हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, नाबार्ड में, बिल्डिंग्स में, और स्पेशल जैसे प्रोजेक्ट 177 करोड़ का ब्रिज कम रोड है, काफी काम एडवांस स्टेज में है। कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि कई कॉन्ट्रैक्टर्स ओवर बिड करके कई टेंडर्स ले लेते हैं जिसमें काम नहीं शुरू हुआ, उसको हम रिसेंड करके हम काम किसी और को अलॉट करके ताकि जल्द से जल्द वो ख़त्म वो हो। और मेरे को ये बड़ी खुशी है कि पिछले एक साल में क्वालिटी में काफ़ी डिफरेंस आया है, क्वालिटी कॉन्शियसनेस हमारे इंजीनियर्स में बढ़ी है, कॉन्ट्रैक्टर्स में बढ़ी है। जो कंप्लेंट्स आती है हम सीएम साहब को पुटअप करते हैं, उसको लॉजिकल एंड पे ले जाते हैं। एक साल बीत गया जिसमें हमने एडवाइजरी इनको अपने अपने जो इंस्ट्रक्शंस थे वो दिए। अब हम चाहते हैं और सीएम साहब ने भी निर्देश दिए हैं, अगर बेसिकली सड़क टूटेगी तो इंजीनियर के खिलाफ एक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एक्शन होगा। अब हम एडवाइजरी से प्यूनिटिव वाले उसमें जा रहे हैं।